और आप बताइए, चलिए बस तो, मेरे पास तो और तो नहीं मिला। अरे तो आप ही तो भजन गा रही सबसे। अरे भजन तो छोड़ दिया, भजन तो छोड़ दिया। किसकी उम्मीद लग रही? देखो जी, इस बात को तो पता नहीं लगता किसकी है, इस बात का तो कुछ नहीं पता लगा। बीन मना दुनिया पलट जाती है, लेकिन मोदी अच्छा आदमी, ठीक है। मोदी बहुत अच्छा है, काम करता। अरे जैसे चाहे किसी की भी सरकार थी पहले, किसी की भी हो, एक एक घर में पांच आदमी है तो पांचों सरकारी नौकरी है। एक एक घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। मैं भी रोटी खा रहे हैं बेचारे, जब रोजगार नहीं बच्चे ने मिले तो बच्चे बाहर चले गए। तो आवेगी सरकार किसकी? मोदी की आनी चाहिए सरकार यहाँ हरियाणा में। हाँ चलो ठीक, उधर जब नौकरी नहीं देनी बाहर बच्चे काटने पड़े, हमारी छातियां तड़े तो बच्चे बाहर जा रहे। हमने के ऊपर नींद आ रही है, नहीं बता दे पहले। हमारे बच्चे हमारे पास होंगे तीज त्योहार मनाते सारी के, हमारे बच्चे उड़े दिन रात नहीं देखे, बेरा नहीं खा रहा है पी रहा है नहीं, भूखा सोवा है रोवा, न्यू तो नहीं बेरा लगता हमारे बच्चों का। ये सरकार नहीं तो काटे कि ना काटे, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। देखिए करनाल में कितनी सुहानी शाम हुई है जब मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। इस पार्क में देखिए कितना खूबसूरत पार्क है और यहाँ जगह जगह बेंच पर लोग बैठे हुए हैं, हर आयु उम्र के और हर महिलाएं पुरुष बच्चे सब लोग इधर हैं। और मैंने सोचा कि करनाल के शहरी इलाके का थोड़ा माहौल और इस यहाँ से पूरे हरियाणा के चुनाव के बारे में लोगों के, बिल्कुल आम लोगों की राय क्या है वो जानकारी ली जाए और आप तक पहुँचाई जाए। आपका नाम क्या है? जसपाल। जसपाल जी, मैं जानने आया हूँ कि आम लोगों के बीच में अब टिकटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने तो बहुत लेट टिकट बांटे, कल रात ही टिकट उनका फाइनल हुआ, क्या लग रहा है आपको माहौल, किसी के पक्ष में हवा है कांग्रेस में, ये हरियाणा में? मिलीजुली सरकार आएगी जी। हाँ मिलीजुली सरकार, बहुमत किसी का नहीं? नहीं बहुमत किसी का नहीं। तो लोग तो कह रहे हैं आमने सामने की टक्कर है, तीसरे वाले ज्यादा सीट पाएंगे नहीं, कुछ INLD को मिल जाए। टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी की है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है जी। तो फिर तीसरे कौन जीतेंगे? तीसरे जो इनेलो पार्टी की आएगी ना कुछ सीटें, उनकी उससे बनेगी सरकार। इनेलो यानी JJP की कम आएंगी उसकी? आपको इनेलो की कितनी सीट लग रहा है? मुझे लोग बता रहे हैं 6-7-8 सीटों पर वो लड़ाई में, 7-8 सीट। और JJP उसका कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी वो तो जीरो है। निर्दलीय? हाँ वो आएंगी 5-6 सीट। तब तो फिर आंकड़ा पिछली बार की तरह हो जाएगा। पिछली बार 19 थे, इस बार भी आप 12-14 बता रहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी वजह क्या है? बस बाकी ज्यादा नहीं बताएंगे बच्चे। अरे मूल मजमून बता दिए आपकी, ये होगा और वजह बता नहीं रहे हो। बस ऐसी है जी माहौल, अब की बार भगदड़ मच गई, भगदड़ जिनको टिकट नहीं मिला ना, भगदड़ मच गई दोनों पार्टियों में। वही तो मैं कह रहा कि ये बागी खेल बिगाड़ेंगे किसका, बीजेपी का या कांग्रेस? दोनों का, बीजेपी कांग्रेस दोनों का। अच्छा लहर किसी की? लहर किसी की नहीं। हाँ किसी की लहर नहीं। और आप क्या मानते हैं? दोनों में से कोई भी, कांग्रेस या बीजेपी, बराबर चल रहे जाना, कुछ भी हो सकता है। जो लोग कह रहे कि कांग्रेस की तो बड़ी लहर चल रही 10 साल बीजेपी की सरकार के बाद, कांग्रेस में बड़ा कुछ है पलड़ा भारी, इस बार पलड़ा भारी है कुछ कांग्रेस का। हाँ बाकी ये बताएंगे अपने लीडर हैं। मैं तो सर, कांग्रेस बहुमत तक पहुँच जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी या कम पड़ जाएगी? देखो मतलब मुकाबला तगड़ा है। तो लहर आप मानते हैं किसी के पक्ष में हवा है? दोनों ही हो जाना, लहर लहर कुछ नहीं है, दोनों तरफ है, या वो भी आ सके, वो भी आ सके। और आप बताइए। हाँ जी, आपको क्या लगे? अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अभी कैंपेन चलेगा और उसमें अंदाजा लगेगा। वैसे मुकाबला दोनों का है, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन जो है आजाद भी 4-5 हो सके हैं और INLO भी 5 के करीब हो सकती है, इस तरह का माहौल। बाकी जो नहीं, आप और JJP वो बहुत कम है उनका तो नाम, लेकिन कांग्रेस इस बार जो है पीछे से ज्यादा है। कांग्रेस 31 पाई थी, तो उससे ज्यादा
तो उससे ज्यादा बीजेपी पीछे से कम है या ज्यादा? पीछे से कम है, पीछे से कम है। अच्छा, मैं तो आया करना पीछे से मैं आया करनाल, इसकी वजह यह है कि आपके तीनों विधायक पीछे जो जीते हैं वो सब मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री बने, तीसरे मुख्यमंत्री बन के आए तो जीत गए। तो ये सीट अब ऐसे सैनी जी के बारे में कहा जाता है कि बहादुरगढ़ से जीते तो फिर कुरुक्षेत्र चले गए, कुरुक्षेत्र से सीएम सीट तो सीएम है, वो तो जीतती जीतती है, उसमें तो मेजोरिटी जो है सीएम जीतते हैं, कहीं से भी खड़े हो जो जब प्रेजेंट जो है सीएम है वो तो जीतेगा। यहाँ लाड़वा सीट उनकी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उसमें उनकी कोई लड़ाई कांग्रेस से है? लड़ाई है, वहाँ फाइट है, वहाँ फाइट है। आप कह रहे थे सीएम के सीएम नहीं, वो उस टाइम का टाइम था, ये टाइम दूसरा है, वो सीएम इस टाइम एक्टिव है, पहले वो सीएम थे, वो सीट निकालनी थी, सब इलेक्शन था, वो सब इलेक्शन था, ये जनरल इलेक्शन है। अच्छा, ये हवा आप किसी की मानते हैं? हवा तो अब कंपेन चला है, देखो क्या प्रोसेस चलता है, बाकी मुकाबला दोनों में है, कांग्रेस और भाजपा। आप टिकटों के बंटवारे के हिसाब से किस पार्टी को 20 मानते हैं? मैं तो किसी को नहीं समझता कैसे मृगदेना वजह से इन्होंने बोला है ना अभी कि मिली जुली सरकार आएगी, किंग मेकर होगा कौन, पिछली बार जसपाल दुष्यंत था तो इस बार इनेलो वाले शायद, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, एक बार भतीजा किंग मेकर बना है, इस बार चाचा का नंबर लग सकता है? लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि अभी चुनाव फंसा हुआ माना जाए? आप कुछ भी सोच लो, आपको ज्यादा पता है मेरे से तो।